डेयरिंग वाली लेडी डॉन टाइप है, तो आप रियल लाइफ में वैसी हो क्या? नहीं मैं रियल लाइफ में डरती तो नहीं हूँ, बट करिश्मा जितनी फेयरलेस नहीं हूँ. करिश्मा इज लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी, बट आई मस्ट से कि मैंने करिश्मा से आई हैव लर्नड अ लॉट. आई हैव लाइक बेसिकली द पावर दैट करिश्मा हैज़ द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होता है ना, तो जो चीज़ें आप नहीं भी कर पाते वो भी कर जाते हो, बिकॉज हियर यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं मैं कर लूँगी ये, तो वो हो जाती है चीज़ें, यू नो. सो करिश्मा तो मैंने एक्सप्लोर की अपने अंदर से कि शिट, मैं इतना गुस्सा भी कर सकती हूँ लाइफ में, मैं ऐसी भी हो सकती हूँ. तो नहीं, मैं करिश्मा से बहुत अलग हूँ, अपोजिट. काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो महासंगम का हिस्सा बने हैं, कोई आपके दोस्त हैं जिनसे आप मिली हो अभी? नहीं, मेरे शुभ लाभ पे जो लक्ष्मी जी हैं, छवि, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, तो उनके साथ मेरा अभी तक महासंगम नहीं हुआ है. मैं चाहती हूँ उनके साथ हो, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. यहाँ पे तो आई विल मीट देम एंड आई विल मेक न्यू फ्रेंड्स. एंड व्हाट अबाउट डांस सीक्वेंस, जहाँ पर इस कपड़ों में आपको डांस करना है, कितना इजी होने वाला है? ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि कौन सा गाना है और क्या डांस स्टेप्स है अभी तक तो. और अभी मुझे पता चला है कि इसमें उन्होंने 4 नेट अंदर लगा रखे हैं, जिससे मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड में तो सब अच्छा ही होता है, तो आई एम श्योर सब अच्छा ही होगा. बट आपके लिए कितना कंफर्टेबल होता है, लाइक सी डांसिंग हैज बीन माई वन ऑफ माई हॉबी, सो डांस तो हो ही जाता है यार. हम किसी थोड़ी सी भी हमें खुशी मिलती है, व्हाट डू वी डू, वी डांस, राइट? तो वो हो जाता है व्हेन यू डू इट विद ऑल योर हार्ट, इट जस्ट, यू नो. क्या हुआ ना, दैट टाइम स्लॉट्स हमारे बहुत चेंज हुए, फिर बीच में कोविड आ गया, सो इससे क्या हुआ ना, वो हाई जाते जाते हम लो जाते चले जाते हैं. तो जो न्यू एंट्री आई है वो बहुत ही पावरफुल एंट्री है हमारे शो के लिए, बिकॉज इट्स अ रोबोट, इंसानी इंसान के रूप में एक रोबोट आया है, एंड चिल्ड्रंस विल लव इट, क्योंकि उनको मज़ा आता है ना देखने में ऐसा कुछ चीज़ें. और वो रोबोट को हमें जज्बात सिखाने, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो ये एक जो सबका अलग अलग फ्लेवर्स निकले हैं सबके उसके साथ, तो आई एम श्योर पीपल आर गोना लव इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो कावेरी, आज के महासंगम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज आपके सारे फेवरेट कलाकार जो हैं वो एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जश्न बनता है, जलसा जिसे कहते हैं, जलसा हो रहा है, एंड डांस है और बहुत ड्रामा है और सस्पेंस भी है, काफ़ी चीज़ें एक साथ मिलकर ये महासंगम बन रहा है. सो प्लीज़ वॉच इट ऑन 20th of November 7:30 onwards. जैसे आपने बोला जलसा होने वाला है, तो आप भी जलसे का पार्ट होंगी डांस परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल, जलसा हो और मोनामी उसका पार्ट हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है. मज़े करूँगी मैं अभी आपके साथ. जो जिद्दी दिल में कैरेक्टर है आपका प्ले कर रही है, रियल लाइफ में आप ऐसी एकदम मुँहफट टाइप हैं? नहीं, मूवफट तो नहीं है मोनामी, स्वीट बट स्टिल. जैसे कि मोनामी हमेशा गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है, वो उसके अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठाती है, और मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ. अभी बस मेरी मुलाकात करिश्मा जी से हुई है फ्रॉम मैडम सर, उनके साथ एक सीन था, तो अभी तो फिलहाल मेरी मुलाकात उनसे हुई है. बहुत ज़्यादा थीम है रेड और ब्लैक का, लड़कों ने ब्लैक पहना है, लड़कियों ने रेड पहना है, और मेरा लहंगा कुछ यस. प्लीज़ वॉच जिद्दी दिल मानेना ऑन सोनी सब 8 बजे, और आप ये महासंगम का एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे फेवरेट कलाकार एक ही साथ आ रहे हैं एक मंच पे. ये होने वाला है 20th of November शाम 7:30 बजे. अरे यार, और ये होने वाला है 20th of November शाम 7:30 बजे से. महासंगम जो प्रोग्राम चल रहा है आपको उसके बारे में कुछ पता है, खबर बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? जी हाँ, आज जिद्दी दिल मानेना, बागले की दुनिया और मैडम सर, तीनों का महासंगम चल रहा है. सो ऑल ऑफ अस गेट टू वर्क टुगेदर एंड ऑल ऑफ अस गेट टू मीट डिफरेंट पीपल, व्हिच इज सच अ ब्रिलियंट थिंग. ओके, तो जिद्दी दिल के बाद जो कैरेक्टर है उसमें प्ले कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई प्ले सेठ जी सिद्धार्थ गंजू,
सिद्ध जी बहुत ही चिल्ड आउट, यूज्ड टू बी इरेस्पॉन्सिबल बट धीरे धीरे उसे भी समझ आ रही है. ही इज ट्राइंग टू फिट इन दिस एकेडमी जहाँ पे ही इज अ कंप्लीट मिसफिट, बट प्यार की खातिर वो खुद को बदल रहा है. शो के बारे में I'm sure ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने पहले कहा नहीं है, बट जिद्दी दिल माने ना इज अ स्टोरी ऑफ ये हम सारे करेक्ट्स हैं, हम सारे मिसफिट्स हैं यहाँ पे, जिस यहाँ पे हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी है. तो कुछ करेक्ट्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं और ये एकेडमी की कहानी. As you told, in real life you are a bit chilled out. In real life also you are like that? Depend करता है कौन सा फेज चल रहा है. अगर काम कर रहा हूँ तो then I'm not chilled out, then I'm on the job. What about your look? कुछ बोलना चाहेंगे तो? गर्मी है बहुत, but अच्छा भी लग रहा है. So this is the look for today, outfit of the day. हम लोग डांस कर रहे हैं और जलसा हो रहा है यहाँ पे एकेडमी में, जहाँ पे the cadets and the trainers will mingle with their friends and family and other shows. So here we are.